कोरोना संक्रमण के चलते रायसेन जिले में 16 अप्रैल से लगातार 30 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान आज जिला प्रशासन ने सुबह 9 बजे से 2 बजे तक केवल किराना दुकानों को खोलने की 5 घंटे की छूट दी, लेकिन यह छूट कहीं संक्रमण खतरा न बन जाए, तस्वीरें कुछ ऐसी ही सामने आई हैं। रायसेन में आज सुबह 9 बजे से बाजारों की किराना दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना नियमों को दरकिनार कर लोग सामान लेने के लिए भारी भीड़ के रूप में बाजारों में उतर गए। तस्वीरें देखिए, जिला सहकारी बैंक की ब्रांच पर किसानों ने भुगतान के लिए ऐसी भीड़ लगाई कि बैंक के गेट बंद करने पड़ गए। दरअसल शादी विवाह के सीजन के चलते लोग किराना और पैसे निकालने के लिए कोविड प्रोटोकॉल को भूलकर मजबूरी में बाजारों में आ रहे हैं, लेकिन वह यह भी भूल गए कि प्रदेश में जानलेवा रूप ले चुका कोरोना अब तक कितने घरों को चिराग बुझा चुका है। वहीं पुलिस प्रशासन के तमाम इंतजाम भी इस कोरोना काल में पालन कराने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। जिले में लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले में लगभग 200 संक्रमित मरीज रोज ही सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में सीमित संसाधन है और मरीज ज्यादा। कोरोना की चैन को तोड़ने जिले में सख्त कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया, लेकिन लोग ना तो प्रशासन की सुन रहे न पुलिस की सख्ती कोई काम आ रही। जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर बैरिकेड लगाए गए, लोग बैरिकेड हटाकर आना जाना कर रहे हैं। ऐसे ही कहीं प्रशासन का लॉकडाउन किराना दुकानों को छूट देकर खोलना भारी मुसीबत का कारण न बन जाए, यह डर भी लोगों को अब सता रहा है। रायसेन से बिंदकरण के लिए विजय राठौर की रिपोर्ट।